नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे झरना नाले के पास बस अनियंत्रित होकर पलटी, लगभग 20 से 25 सवारी हुई घायल। बस के अंदर थी लगभग 100 सवारी। माइलस्टोन 160 किलोमीटर नोएडा टू आगरा पर हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल किया राहत बचाव कार्य शुरू। सभी घायलों को तत्काल भेजा इलाज के लिए अस्पताल। थाना खंडौली इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे की घटना। न्यूज़ 9 भारत के लिए शीतल सिंह की खास रिपोर्ट। ताजे लाली सर, ये कहाँ से आ रही थी बस? गुड़गांव सुभाष चौक से। कहाँ जा रही थी? बंगाल सर। कितने लोग थे इसमें सवार? 80-90 था सर। अच्छा, कैसे पलटी है, कैसे पलटी? कोई भी चीज नहीं बोल रहा था, ड्राइवर गांजा पी रहा था अंदर सर। अच्छा, तो ड्राइवर के साथ और कोई साथ में था? ड्राइवर के साथ 3-4 बंदे थे सर, सारे भाग गया। अच्छा, ठीक है। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? हाँ सर, पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? पुलिस सर थोड़े नहीं आ गया था, थोड़ी देर बाद ही, 5-10 मिनट बाद ही आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष। सुभाष जी कहाँ से आ रहे थे आप? दिल्ली से, गुड़गांव से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? बंगाल जा रहे थे सर। कितने लोग थे इसमें सवार थे? इसमें सर बहुत सारे थे, कम से कम 200-250 आदमी थे। कितने लोगों को चोट है? अब सर उतना तो बोल नहीं सकता हूँ, अब देखो कितने का चोट आया, कितने का सबूती है। ठीक, बस पलटी हुई, इसमें कितनी सवारी थी, कहाँ से ये बस आ रही थी? ये थाना खंडौली क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना खंडौली थाना एतमादपुर का फोर्स पहुँचा और जो घायल थे उनको रेस्क्यू करके इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। कुल 14 यात्री घायल थे जिन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। 6 जो यात्री हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है। मैम, टोटल सवारी कितनी थी इसमें? लगभग 100 सवारियां थी इसमें सवार, और बाकी सभी लोगों को जो घायल थे उन्हें उपचार हेतु भिजवाया गया है। 6 सवारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करा के भिजवाया गया। मैम, कोई कैजुअल्टी हुई इसमें क्या? अभी फिलहाल कोई कैजुअल्टी नहीं है, जो टोटल है उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है।